नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चैल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज मैं वेब फॉर्म 12 के ऊपर एक ट्यूटोरियल लाया हूं। दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे वेब फॉर्म 12 फ्री में बीट बनाया जाता है दोस्तों, स्टेप क्लिप के मदद लेके। वेब फॉर्म 12 आप सभी को पता है, ये एक फ्री फुल फीचर्ड डॉ है जिसमें थर्ड पार्टी VST और ट्रैक्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी थर्ड पार्टी VST प्लगइन्स को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और जितने सारे मर्जी उतना सारा ट्रैक्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, जो लोग नए से कोई भी ड्रॉ को सीखना चाहते हैं वो लोग ट्रैक्स एंड वेब फॉर्म को ट्राई करें। ये बहुत ही इजी इंटरफेस के साथ आता है दोस्तों, वन यूज़र इंटरफेस है इसमें। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी सीख सकते हैं और अपने म्यूज़िक का जो करियर है उसको और बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग चले जाएंगे मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर मेरा वेब फॉर्म 12 खुला हुआ है और आज हम बनाएंगे बीट्स को। तो चलिए हम लोग जाएंगे डेस्कटॉप में और यहाँ पर ये मेरा वेब फॉर्म अब दिख रहा है, इधर वेब फॉर्म मेरा खुला हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपना जो टेम्पो है टेम्पो को चेंज करेंगे। टेम्पो को चेंज करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर BPM जो है, इस BPM को मैं क्या करूँगा इधर 90 कर लेता हूँ। स्लो BPM में बीट बनाना इजी होता है दोस्तों और सीखने के लिए भी बहुत आसान हो जाता है, मुझे बताने में भी आसान हो जाएगा। इसमें क्लिक को हम टिक रखेंगे और एक बार प्ले करेंगे ताकि किक का साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये वो सुन लेते हैं। एकदम ठीक ठाक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक VST को कॉल कर लेते हैं। उस VST को कॉल करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली इस जो प्लस वाला आइकॉन है, इस प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करूंगा और यहां पर वेब फॉर्म के ही अंदर आऊंगा, इंस्ट्रूमेंट में जाऊंगा दोस्तों और यहां पर माइक्रो ड्रम सैम्पलर को क्लिक कर दूंगा और ये माइक्रो ड्रम सैम्पलर आ गया। इसमें फ़िलहाल के लिए अभी कोई भी मतलब साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, दिखाई भी नहीं देगा, सब हाइड हुआ है। तो साउंड को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो स्टार वाला आइकॉन है, इस स्टार वाला आइकॉन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों एक ये खुल जाएगा ड्रॉप डाउन मेनू और यहाँ पर हम लोग माइक्रो 808 भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हर तरह का साउंड, ड्रम का साउंड इसमें दिया हुआ है। हम लोग 909 लेंगे और 909 में देखिए, तो इसमें हम क्लैप रखेंगे, ये रखेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे, इसको भी हम क्लियर करेंगे, इसको भी हम क्लियर करेंगे। तीनों फिलहाल के लिए मैं क्लियर कर दिया। क्यों क्लियर किया दोस्तों, क्योंकि जितना सारा मुझे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रहेगा दोस्तों, पार्ट्स रहेगा ड्रम्स का, उतना ही यहाँ पर दिखाई देगा। अब चलिए हम यहाँ पर स्टेप क्लिप लेते हैं। एक क्यों मैंने डिजेबल किया, उसको डिलीट किया, क्लियर किया, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर एक स्टेप क्लिप लेना होगा। स्टेप क्लिप लेने के लिए दो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इंसर्ट न्यू स्टेप क्लिप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो लाल वाला प्लस वाला आइकॉन है इस कोने में दोस्तों, यहाँ पर से हम ड्रैग एंड ड्रॉप इधर करेंगे, सॉरी नहीं हुआ, यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही करेंगे यहाँ पर दोस्तों सेम ऑप्शन देता है इंसर्ट न्यू स्टेप क्लिप। चलिए इसी को करते हैं और ये जो नीचे वाला जो मेनू बार है दोस्तों, इसको हम फिलहाल के लिए डाउन कर देंगे और इसको हम बड़ा करेंगे दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इस चैनल को, इसका जो हाइट है इसको लंबा करेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो जैसे मैं लंबा किया, इधर देखिए जितना सारा उधर ड्रम्स का जो पार्ट्स था, उस पार्ट्स का नाम इधर दिखा रहा है, स्नेयर, ओपन हाई हैट, साइड किक, किक एंड ये क्लोज्ड हाई हैट एंड क्लैप। दोस्तों क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर मतलब इस ड्रम में अगर इसको मैं इनेबल कर दूंगा, चलिए दोस्तों मैं इसको अनडू कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर कितना सारा नाम दिखा रहा है, बहुत ही छोटा छोटा नाम दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं लंबा करूँगा, ये देखिए राइड, स्नेयर, हाई हैट, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 इंस्ट्रूमेंट है इधर। चलिए मैं इसको क्लिक किया और इसको मैं अंडू करते गया दोस्तों, देखिए जितना सारा था वो सब ले लिया। अब इधर कितना दिखा रहा है देखिए, यहाँ पर भी 7 दिखा रहा है, लेकिन अब जब ही मैं इसको डिलीट करके नया से इसको ट्राई करूँगा, राइट क्लिक, इंसर्ट स्टेप क्लिप, अब देखिए
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 10 इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा रहा है। तो वहाँ पर जितना कम होगा दोस्तों, इसको फिर से मैं डिलीट कर दूँगा, डिलीट कर दिया और इसको खोला। इसको खोलने के बाद जो जो नहीं चाहिए हमको, जो जो इंस्ट्रूमेंट ड्रम का जो इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए उसको राइट क्लिक करके हम क्लियर करेंगे, क्लियर करेंगे और क्लियर कर देंगे। तो उतना सारा नाम इधर देगा तो मेरा जो वर्किंग एरिया है वो एरिया छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब देखिए सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए अब स्टेप क्लिप में कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपना ड्रम का जो बीट्स है उस बीट्स को। तो यहाँ पर से भी आप कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 16 तक आपको दिखाई दे रहा है, इधर 16 जो बीट है वो दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैं क्लिक को यहाँ पर दे दिया 1 में 5 यहाँ पर और इसको हम लूप में डाल देंगे। चलिए यहाँ तक मैंने एल दबा के इसको लूप कर दिया। अब इसको सुनेंगे, वी को फ़िलहाल के लिए मैं ऑफ रखता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ तो आप लोगों ने देख लिया ऐसे इसको किक दिया गया है दोस्तों।